हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम मर्सी. मर्सी मतलब दया. ऑफ एट्थ क्लास, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्ट्स ऑफ मर्सी आर गिविंग ऑफ एम्स, केयर फॉर द सिक एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम हार्मिंग और पनिशिंग एनिमीज एंड पीपल इन वंस पावर. दिस वर्च्यू हैज़ बीन लेट डाउन इन ऑल रिलीजियस. The nature and importance of mercy are summed up in the following extract from The Merchant of Venice. दयालुता यानी कि दया के काम है किसी को भिक्षा देना, बीमारियों की देखभाल करना तथा अपने दुश्मनों और वो लोग जो आपकी शक्ति के अगेंस्ट हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचाना और ना ही उन्हें दंडित करना. इस कार्य, इस सद्गुण को हर धर्म में शामिल किया गया है. दयालुता की प्राकृतिक एवं महत्व को द मर्चेंट ऑफ विंसी में से लिए गए निम्नलिखित अंश में दर्शाया गया है. समरी एंड मीनिंग ऑफ द पोएम इज दैट मर्सी इज मोर पावरफुल देन क्रुएलिटी एंड फियर. शेक्सपियर सेड दैट इट वॉज इन हार्ट ऑफ किंग्स एंड एट्रीब्यूट ऑफ गॉड. आई थिंक दैट ही मैंट दैट ऑल ग्रेट पीपल कैन शो मर्सी फॉर दैट कनेक्ट्स दैम विद गॉड. ही मैंट किलिंग इज स्ट्रॉन्ग बट रिफ्रेनिंग इज स्ट्रोंगर. कविता का सारांश और अर्थ ये है कि दया क्रूरता और भय यानी डर से ज़्यादा शक्तिशाली है. शेक्सपियर ने कहा है कि वे राजाओं के दिल में हैं और भगवान के गुण हैं. मुझे लगता है कि उनका मतलब था कि सभी महान लोग उस दया के लिए दया दिखा सकते हैं जो उन्हें भगवान से जोड़ते हैं. नाउ लेट्स कम टू द पोएम. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एस द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बिनेथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड. इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स. बल से, शक्ति से दया के गुणों को प्राप्त नहीं किया जा सकता. दया की जो भावना है वो खुद से आ जाती है, उसी तरह जैसे जो बारिश है आकाश से खुद आती है धरती पर. यह होता है एक दोहरा वरदान. ये कहता है आनंदित जो लेने वाला होता है और उसे जो देने वाला होता है. This mightiest, in the mightiest it becomes the throned monarch between then his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty. Within doth sit the dread and fear of kings. शक्तिशाली लोगों में ये शक्तिशाली सिद्ध होता है. ये कहते हैं एक शासक को अधिक, जो एक शासन का राजा है वो अपने क्राउन से भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. उसे अपने क्राउन को नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास इतनी पावर है. और जो उसका वे है लोगों के प्रति, वही उसको जो सांसारिक उसकी जो शक्ति है वो उसको प्रदान करता है. उसका क्राउन उसको शक्ति नहीं देता है, बल्कि जो उसके लोगों के प्रति प्यार है वो उसको अपनी जनता से मिलता है. ये होता है चिन्ह उस भय और राजसी शक्ति का, रहता है जिसमें राजाओं का डर और भय. बट मर्सी इज अबव हिज स्क्रेप्टर स्वे. इट इज़ एंथ्रॉन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स. इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइक्स गॉड्स व्हेन मर्सी सीजंस जस्टिस. परंतु जो दया की भावना है राजाओं में वो उसके शासन से भी अधिक होती है. दया की भावना राजाओं के दिल में भरपूर होनी चाहिए. यह गुण ईश्वर के प्रति स्वयं से आता है. पर राजा अगर अपनी जनता के लिए दया की भावना रखता है तो उसी टाइम हमें राजा की जो शक्ति है वो भगवान के स्वरूप दिखाई देती है. उस टाइम दिखता है कि राजा ने भी जनता के हित में काम किया. कंक्लूजन ऑफ द पोएम. लाइफ इज ड्रामा, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ह्यूमन बीइंग्स आर एक्टर्स. द थीम हिंट्स एट द ग्रेटेस्ट आयरनी इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. शेक्सपियर ओवर हियर हैज मास्टरफुली डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन्स लाइफ. द यूज ऑफ इमेजरी and of acting and stage is a recurrent one in Shakespeare. जीवन नाटक है, दुनिया एक मंच है और हम इंसान अभिनेता हैं. विषय वस्तु मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना पर संकेत देती है. शेक्सपियर ने यहाँ पर मानव के जीवन के चरणों का उत्कृष्ट वर्णन किया है. कल्पना और अभिनय और रंगमंचन का प्रयोग शेक्सपियर ने बार बार किया है. थैंक यू.